من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله جو خوشگوار زندگی کے ایک اور خوبصورت موضوع کے ساتھ आपके सामने हाजिर हैं जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बातचीत कर रहे हैं जिंदगी के उन पहलुओं पर उन रवैयों पर जो हमारी जिंदगी को आसान या तल्ख बना देते हैं कुछ ऐसी सोचें जो अगर आपके अंदर दर आए बल्कि आपके क्या मेरे आपके सबके अंदर दर आए तो हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाती हैं और अगर उन सोचों को सही डायरेक्शन मिल जाए तो वही ज़िंदगी बहुत आसान लगने लगती है मुश्किल शायद अपनी जगह रहती हैं लेकिन ज़िंदगी को देखने का रुख बदल जाता है और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ एज एन एक्सपर्ट एज एन इस्लामिक स्कॉलर मौजूद है हैं उसताजा नेगेताश में जजाकिला उस एक बार फिर वक्त देने के लिए आज एक बहुत ही बेहतरीन मौजु के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं आज का मौजू है कि मनफी सोचों से किस तरह बचा जाए मनफी सोचें किस तरह आपकी ज़िंदगी को तबाह करती हैं मनफी सोचें किस तरह से आपकी ज़िंदगी में जहर घोल देती हैं इसी मौजू पर बात करेंगे मनफी सोच क्या है इसका क्या ताल्लुक़ है हमारी ज़िंदगी के साथ ये कैसे आती हैं और ये किस तरह से हमारी और हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी और फिर मशरती ज़िंदगी को बर्बाद कर दें उस मनफी सोच किसे कहते हैं फैजा वो ये ऐसा सवाल है जिसके बारे में सब मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं क्योंकि ये तजर्बे में आने वाली बात है यानी किसी भी चीज़ को सीधे रुख से ना सोचना उल्टे रुख से सोचना मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ बहुत अर्सा पहले की बात है कि कोई उस्ताद अपने दो शागिर्दों की सोच को परखने के लिए कि इनका मिजाज कैसा है उन्हें जंगल में ले गया वहाँ पे उन्होंने एक आम के दरख्त को देखा तो एक स्टूडेंट से पूछा कि आप इसे देखो और बताओ कि ये कैसा है तो उसने कहा कि ये दरख्त इसके ऊपर आम अल्लाह इज़्ज़त की नेमत है सुभान अल्लाह अल्लाह ताला का करम है और यह कि शुक्र है कि हम इसके आमों को तोड़ सकते हैं उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और मुझे बस एक चीज़ का धड़का लगा रहता है कि कोई इसको पत्थर ना मारे कोई इनके साथ ज्यादती ना करे बाज़त ऐसा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा पत्थर मारते हैं जिसकी वजह से आम आ, जो है वो जो पके हुए नहीं होते वो भी गिर जाते हैं और यूँ नुकसान होता है उसने दूसरी शागिद से पूछा कि आप इसके बारे में क्या कहते हो तो कहने लगा कि अल्लाह आम का दरख्त आ, उगाया तो सही लेकिन ये आम इतने ऊंचे क्यों होते हैं और ये है कि आ, आम तोड़ना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और मेरा जी चाहता है कि पत्थर मार मार के सारे आम तोड़ दो और ये है कि आ, हमारे लिए अल्लाह ताला अगर नेमत देते भी हैं तो इतना मुश्किल क्यों बना देते हैं सही यही हाल जिंदगी का है एक ही वक्त में दो लोगों की सोच है आप परख सकते हैं कि दो लोगों की सोच में कितना तजाद है सोच से ही इंसान का अमल वजूद में आता है बेश जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आप अमल करेंगे एक शख्स आम को नेमत समझता है और दूसरा अल्लाह ताला से शिकवा करता है कि इतने ऊंचे क्यों लगाए थे तोड़ने मुश्किल क्यों हैं और आप एग्रेसिव बिहेवियर के इंतहा देखें कि मेरा जी चाहता है पत्थर मार मार के आम तोड़ डालो

तो उसकी ज़िंदगी पॉजिटिव हो जाती है और अगर वो नेगेटिवली सोचता नेगेटिवली वायर्ड हो जाए ना वो सारे माहौल को नेगेटिव कर देता है सही एक नेगेटिव इंसान पूरे माहौल को इस बुरे तरीके से ख़राब करता है आप जानते हैं मनफी के साथ जिस पॉजिटिव चीज़ की भी ज़रब लगेगी वो भी मनफ़ी हो जाएगी ये तो उसूल है तो मनफी सोच जो है वो आपको भी खा जाती है आपके इर्दगिर्द वालों को भी आग लगा देती है आप घर में हो घर तो में झगड़ों का बायस बनेंगे और अगर आप किसी वर्क प्लेस पर हों तो वर्क प्लेस को खराब करेंगे आप सियासतदान हैं तो आप तनकीद करते रहेंगे कुछ अच्छा नहीं फलां भी खराबी फुल भी खराबी हर खराबी नजर आएगी लेकिन कभी पॉजिटिव पहलू नजर नहीं आएगा आप ओवरऑल पॉलिटिक्स में देखें ओवरऑल कौम का रवैया कौम का रवैया है अच्छा फिर आप अगर अपने लिविंग में देखें ओवरऑल uh, लोग मनफी पहलू को देखते हैं नॉर्मली अगर आप देखें इंसान अगर ये सोचता है ना मुझे क्या नहीं मिला मेरे साथ क्या ज्यादती हुई mm. मैं कहाँ से तकलीफ़ में हूँ mm. मेरे इर्द गिर्द का माहौल कैसा है mm. मिसाल के तौर पर आजकल लोगों को देखें गर्मी बहुत हो गई है mm. अच्छा थोड़े दिनों पहले कहते थे ठंड बहुत हो गई है mm. अच्छा दरमियान में जब uh, ये धुंध आई तो कहने धुंध कहाँ से आ गई अब मतलब पूरे माहौल को एक ख़ास एनक लगा के देखते हैं और ऐसे में कितनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती कितने लोग हैं आ, किसी की शादी होने लगी ना आ, फैमिली में से किसी की शादी थी तो उनसे बात हुई कि आप ये बताइए कि शादी के लिए आपके जहन में क्या प्लान है आ, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़रा थोड़ा सा मैं अच्छा नहीं फील कर रहा तो सवाल किया गया कि अच्छा ये बताओ कि आपके इर्द गिर्द आपके दोस्तों ने फैमिली के लोगों ने बड़ों ने शादी के बारे में क्या कहा अब पता लग जाता है ना कि कहाँ से इंसान नेगेटिवली वायर्ड होता है तो उसने कहा कि मुझे सब ने यह कहा है कि शादी करोगे ना तो शादी करने के बाद आपके लिए यानी बीवी को संभालना मुश्किल है बीवी मूड ऑफ करेगी अम्मी नाराज़ हो जाएंगी आपके लिए दो चीज़ों में बैलेंस कायम करना मुश्किल हो जाएगा और आप कल बच्चे होंगे उनका खर्च बर्दाश्त करना पड़ेगा शोर होगा आप काम नहीं कर सकोगे और मुझे तो लगता है बस पता नहीं शादी क्या है तो सारी बात है जो ये सोच रहा है कि मैं इतने बुरे तरीके से फंसने जा रहा हूँ तो अच्छा, ये भी बताना चाहती हूँ कि उसको जो जवाब दिया गया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था अच्छा सही वो ये कि आपके साथ वाकई ऐसा हो जाना है क्योंकि आपकी सोच ऐसी क्योंकि आपकी सोच ऐसी है यानी आप आप जो कुछ सोच रहे हो ना आपकी सोच आपके आइंदा आने वाले का काफी हद तक तय करती है इसलिए पॉजिटिवली सोचना चाहिए आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात से हम देखते हैं कैसे आप बहुत बुरे हालात में भी पॉजिटिव सोचते थे अच्छा मैं रसोल्ला वसम की ज़िंदगी का एक बड़ा ही खूबसूरत वाक्य बताना चाहती हूँ तइफ में गए तइफ वालों ने पत्थर मारे अजाब का फरिश्ता आया पहाड़ों का फरिश्ता आया कहने लगा दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दूँ आप ने फरमाया मुझे उम्मीद है इनकी नस्लों से ऐसे लोग पैदा होंगे सुबह जो अल्लाह तला की तोहद का इकरार करेंगे तो आप देखें बुरे हालात में अच्छा सोचना आपको होप देता है आप उस होप की खातिर जीते हो आप उस उम्मीद के साथ जीते हो तो हमें अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें को सामने रखना चाहिए बुरे हालात में अच्छा देखने की कोशिश लेकिन इंसान के साथ ऐसा मामला है इर्द गिर्द के माहौल से उसने लर्न किया है मैं इसी तरह आना चाहती हूँ साहब कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक ही सवाल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके अप भी किया लेकिन बात यह है कि ये जो पॉजिटिव सोचने की ट्रेनिंग है डेफिनेटली जो आपकी पर्सनालिटी में फ़ीचर्स डर आते हैं उसको आप बचपन में उसके ऊपर ट्रेन होते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो बच्चे हैं जब माओ माएँ उनकी तरबियत करी होती हैं जब फैमिलीज उनकी तरबियत करी होती हैं क्या वहाँ पर कुछ ऐसे जुमले हैं वहाँ पर कुछ ऐसे रवैये हैं कि जिसकी वजह से वो सब कुछ गलत देखना सोचते हैं गलत सोचना सीख जाते हैं बजाय कि वो जिंदगी के आ, सही रुख को सोच सीखें तो बच्चों की तरबियत में कहाँ फॉल्ट हो रहा है आ, बात यह है कि जब माँ बाप ख़ुद नेगेटिवली सोचते हैं ना तो अपने बच्चों को नेगेटिव मैसेजेस देते हैं मिसाल के तौर पर तुमने कभी कुछ सीधा काम किया ही नहीं आपने कभी मेहनत करनी नहीं। आप से ही नहीं आपसे मुझे कोई खैर की तो नहीं आपने कभी मूड सीधा रखना ही नहीं आपने कभी खाना वक्त पे खाना ही नहीं आप कभी वक्त पे काम नहीं करते ये सारे मैसेजेस और बच्चे का माइंड उस पर ट्रेन होना शुरू हो जाता है और ये एक तो जो चीज़ है जो बच्चे को डायरेक्ट कह रहे हैं और जो इर्द गिर्द के माहौल में आप लोगों को कह रहे हैं आप अपने रिश्तों के साथ ऑब्जर्व करता है रिश्तों के साथ जो बिहेव कर रहे हैं आपके घर में मुलाजिम आ रहे हैं उनके साथ जो आप बिहेव कर रहे हैं फिर ज़िंदगी के मामला जो आपकी गुफ्तु हो रही है तो बात आपने बड़ी अहम बताई कि माइंड ट्रेनिंग ही हमारी सोसाइटी में कुछ इस तरह से हो रही है कि सुबह आप उठ के ये देखना शुरू करते हैं कि तकलीफ़ कहाँ है और कौन सी चीज़ मुझे ज़िंदगी में नहीं मिली नो डाउट दूसरी बात ये कि जब आप ट्रेनिंग ऑफ माइंड करते हैं ना sure. अच्छा अब लोग जब इससे बचना चाहते हैं निकलना चाहते हैं तो hmm. लोग भागना शुरू कर देते हैं कि ठीक है मैंने ये बात नहीं सोचनी hmm. अच्छा अब उसूल क्या है hmm. आप के अंदर नेगेटिविटी है hmm. आप भाग जाए नेगेटिव चीजें आपका पीछा करेंगी पकड़ लेंगी hmm. आप आगे आगे नेगेटिव सोचें आपके पीछे पीछे तो आप निकल नहीं सकते लोग कहते हैं मैं तो सोचों से भागता हूं लेकिन सोचे मेरा पीछा नहीं छोड़ते आ, आप कभी देखते हो कि मैं तीस हो और लोह चून उसके इर्द गिर्द हो तो वो कैसे नहीं चमटेगा तो आप अपने अंदर को देखें अंदर क्या है आप भागे नहीं आप अपने अंदर का ट्रीटमेंट करें सही अपने आप को देखें कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है अब वो नेगेटिव चार्ज को खत्म करके आपको पॉजिटिव चार्ज भरेंगे जी बिल्कुल नेगेटिव चार्ज को खत्म करना बहुत जरूरी है उसको खैर बात कहना बहुत जरूरी है और यह आसान काम नहीं है किसी ने पंद्रह साल की ट्रेनिंग की है किसी ने बीस साल पच्चीस साल पचास साल साठ साल की ट्रेनिंग है भाई साठ साल की ट्रेनिंग है पचास साल की ट्रेनिंग है कहां जाएगी अगर आपकी बीस पंद्रह साल की भी ट्रेनिंग है तो वो ट्रेनिंग भी बहुत बड़ी है आप ये देखें कि इतनी बड़ी ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग तो दो दिन के भी इंसान पर असर अंदाज होती है दो घंटे की ट्रेनिंग भी असर अंदाज, अंदाज होती है जी बिल्कुल तो आप ये देखें कि जहाँ पूरी लाइफ की ट्रेनिंग है उसको अनलर्न करना आपकी बहुत सारी, सारी आप फाइलें बहुत खुली हो ना जी करिए उस इसमें आप बहुत सारी टिप्स देंगी लेकिन एक मख्तसर से वक्फे का वक्त हुआ जाता है इंशाल्लाह एक अहम मौजू है और अहम बातचीत है एक छोटे से वक्फे के बाद इंशाल्लाह हम यहीं से उस्ताद से पूछेंगे कि किस तरह से अपनी नेगेटिव थॉट्स को अनलर्न करके हम पॉजिटिव थॉट्स को जगह दे सकते हैं

कि आपने नेगेटिव सोचने पे आप ट्रेंड हो गए ज़िंदगी को आपने उस तरह से देखा उस तरह से बरता उसी तरह से सब कुछ एक्सपीरियंस किया अब किस तरह से स्टेप वाइज वापसी का सफ़र शुरू हो आ, बड़ी अहम बात है देखें किसी चीज़ का याद करना भी मुश्किल है सीखना भी मुश्किल है लेकिन सीख के अनलर्न करना बेहद मुश्किल बहुत मुश्किल है अच्छा मैंने ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी मैं एक एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ कि मैंने जब यानी अल्लाह की किताब को पढ़ना शुरू किया एक तफसीर मैंने पढ़ी तो मैंने बड़ी अरक रेज़ी से पढ़ी खूब उसको अच्छे तरीके से अंदर बिठाया उसको एक एक चीज़ को हाईलाइट किया डिफरेंट कलर से और उसके पॉइंट्स बनाए उसकी साइड पर नोट्स लिए उसके ऊपर स्टिकी नोट्स लगाए अब वो तफसीर पूरी की पूरी प्रिपेयर हो गई बचपन की बात है और उसके बाद फिर मैं उसे हर साल उसको रिवाइज करती रही अगरचे मैं और भी चीज़ें पढ़ती रही एक स्टेज आई जब मुझे पता चला दो कॉन्सेप्ट इस तफसीर में ऐसे हैं जिनकी वजह से मेरा यानी मेरा बिलीफ पार्ट हिल गया उस तफसीर पर से कि अब क्या करें अब यानी एक तो नबी अलैहि वसल्लम की हदीस के बारे में दूसरे मैंने देखा कि वहाँ अल्लाह ताला की सफ़ात के बारे में ऐसी बात थी अब मैंने कहा कि मेरे लिए और कोई चार कार नहीं है सिवाय इसके कि मैं इसको अनलर्न करूँ अब वो अनलर्न कैसे हो अब कुछ करने लगे हो आपके सामने वो ठक 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 सारे कलर्स भी आ गए आपके जहन में वो सारी चीज़ें आ गई पॉइंट्स आ गए अब वो एक तस्वीर बन गई ना जहन में और वो तफसीर है हज़ारों सफ़ात की और पूरी लाइफ है और पूरा क़ुरान है मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं इसको कैसे अनलर्न करूं मैंने उसके लिए स्विच ओवर करना चाहा मैं जहां स्विच ओवर करती मेरे लिए मुश्किल पेश आती मैंने उसको आ, उसकी जगह मैंने चाहा कि मैं कुछ और चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न करना शुरू करूं मैंने उसकी जगह पे और तफसीर को पढ़ना शुरू किया बहुत हर क्रेजी के साथ लेकिन वो बीच में आके शामिल हो जाते शामिल। फिर मैंने जो है वो यानी उन चीज़ों को अनलर्न करने के लिए मैंने सोचा कि मैं उसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करूँगी और मैंने सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों पर फ़ोकस करना है अच्छा मैं फोकस करती गई अल्हमदिल्ला मुझे फ़ायदा हुआ फिर मैंने अगली तफसीर पढ़ी फिर और पढ़ी फिर मैंने राइट डाउन करना शुरू कर दिया मैंने सवालों के जवाब और मुख्तफ़ चीज़ें जो हैं वो उसके हवाले से क्या क्यों कैसे मैंने अपने आप को ट्रीट करने के लिए एक पूरा साल इस पर लगाया कि मैंने सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं सोचना क्या 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 फिर अगली तफसीर पढ़ी मैंने उसमें से क्यों निकाला फिर अगली तफसीर पढ़ी कैसे फिर इसी तरह से क्या फ़ायदा है हर आयत में रुक रुक के अच्छा अब वो एक उसके मुकाबले में न एक नया पैटर्न पूरा प्रिपेयर हो गया अब जब वो नया पैटर्न प्रिपेयर हुआ तो ग्रेजुअली वो चीज़ें फिर यानी मेरे जहन से निकलती गई निकलती गई निकलती गई अब अगर इस वक्त मैं देखूँ तो मैंने अनलर्न कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन मुझे लाइफ लगी है कि जितनी लाइफ लगा के मैंने सीखा था उतनी लाइफ लगा के मुझे इल्म की बात जो कि अमली बातों के मुकाबले में नस्बता नस्बता अनलर्न करनी आसान होती है तो इसको अनलर्न करने में मुझे इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो तो एक आम इंसान क्या करे उस देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में आ, बहुत सारे जो मामला हैं उनको स्टीरो कर लिया गया है कुछ रिश्तों के बारे में स्टीरो पैदा कर ली गई है जैसे अभी आप एक तस्करा कर रही थी कि एक शख्स का जो शादी को इतना मुश्किल समझता है इसी तरह से मुख्तफ रिश्ते हैं बीवी ऐसी होती है मियाँ ऐसा होता है सास ऐसी होती है नंद ऐसी होती है देवर ऐसा होता है जेठ ऐसा होता है बच्चे ऐसे होते हैं ससुराली रिश्तेदार ऐसे होते हैं मेका ऐसा होता है यानी मुझे ऐसा लगता है कि खुद अपनी नज़र से देखने की बजाय इंसान सोसाइटी के स्टीरियोटाइप टाइप पर काम करता है एंकर ऐसे होते हैं पुलिस अब हम पुलिस को सोचते हैं तो हमारे जहन में ख़ास नक्शा आ जाता है मौलवी ऐसा पुलिस होता है फिर यूनिफॉर्म बदल दिया जी मौलवी ऐसा होता है अगर आप देखें हर 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 चीज़ को अगर आप अपनी जिंदगी के कैरेक्टर्स को उठाना शुरू करें बॉस ऐसा ही होता है फलां चीज़ ऐसी होती है यानी हमें पता चलेगा कि पूरी सोसाइटी में एक माइंड है और वो माइंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव से पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज़्यादा है अब इस तरह की सोसाइटी में जब लोगों को ये सोचने की उनकी कैपेसिटी को खत्म कर दिया गया ना कि वो खुद से चीजों को देखें, खुद किसी के बारे में हाँ। एक माइंड सेट है ना और उस माइंड सेट में लोगों का रोल ज्यादा है आपने अपने आप को खुला छोड़ दिया कि कोई आए आके करे शिकार मुझे तो आपकी सोच कुछ आपकी सोच शिकार होती गई आपको पता चलता गया अच्छा फला चीज ऐसी होती है फला ऐसी होती है। तो आपके जहन में एक नक्शा बनता नक्षा गया बनता गया बनता गया, 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 गया और आप उसके मुताबिक एक्ट करते एक गए करते गए करते गए जी और में आप एक फेलियर पे खड़े हो गए फेलियर पे खड़े हो गए लेकिन आपको नहीं पता आप फेलियर पे हैं क्योंकि आपके दिल में ये है कि ये सब कुछ ऐसा ही होता है और मैं सही सोच रहा हूं ऐसे ही सोचना है आप अपनी सोच के साथ चिमटे हुए हैं आप उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है देखिए तब्दीली का आगाज तब होता है जब इंसान बदलना चाहता है अगर वो अपनी सोच को बदलना नहीं चाहता ना तो, तो सोच कभी नहीं बदलेगी अब अगर कोई बदलना चाहता है तो वो डिप्रेशन में जाता है इसलिए कोई सोच को छोड़ना नहीं चाहता वो कहते हैं ये कौन सी दुनिया में कहाँ आ गया हूँ उस मैंने ऐसे लोगों हाँ। को भी देखा है कि जो जो लोग बहुत पॉजिटिव सोचते हैं उनके बारे में ये सोचते हैं कि ये बेवकूफ़ है इनको पता नहीं चलता ये ख़ानदानी मामला को ज़्यादा अच्छा नहीं लेके चलते इनको किसी की बुराई फील नहीं होती है अगर ये बुरा सोचते क्यों नहीं है आ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है आ, मैं ये समझती हूँ कितने ही लोग हैं जो पॉजिटिवली सोचते हैं और ससुराली ज़िंदगी में उनके बारे में ये सोचा जाता है कि ये अहमक है इन्हें समझ नहीं आती नहीं। ये साथ बैठ के बुराई नहीं करते नहीं। ये किसी के बारे में फील ही नहीं कर सकते लेकिन मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि जो लोग पॉजिटिवली सोचते रहे वो पॉजिटिव रहने की वजह से उनकी सेहत भी अच्छी रही उनके ताल्लुक भी ठीक रहे और ज़िंदगी में बिल आखिर वो कामयाब रहे कामयाब हो गए और उनके मुकाबले में जो बहुत जहन बनते थे बैठ बैठ के बातें करते थे एक दूसरे की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाते थे बिल आखिर बिल आखिर उनकी सेहतें भी बर्बाद हुई किसी को शुगर हो गई किसी को कोई और ऐसा मसला हो गया देखिए ये ख़ानदानी डिज़ीज़ भी हो सकती है लेकिन बहरहाल सोच के साथ तो बड़ा गहरा ताल्लुक है बहुत गहरा तालुक अच्छा, है अच्छा अब जब वो एंड ऑफ लाइफ पे पहुंचे तो उनके अपने बच्चे ख़राब हैं बच्चों के हवाले से वो बहुत परेशान है और दुनिया से जाते हुए वो बिल्कुल सहमे हुए ठिटरे हुए कितने लोग ओल्ड होम्स में पहुंच जाते कितने लोग जहाँ घरों में रह के तो सिसकते हुए जिंदगी बसर करते हैं कल उन्होंने खौफज़दा कर रखा था आज वो खुद खौफजदा हैं और दुनिया से जाते हुए भी नजरों के साथ ही दुनिया से चले जाते हैं। क्या मिला जिंदगी से ना ये जहान ना वो जहान ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम ना इधर के रहे ना उधर के रहे तो अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे तो अब सोचना तो है फैसला तो करना है कि हमने कैसे जीना बेशक जसा खैर उस्ताजा ये बड़ा अहम मोड़ है कि जिसमें हमने यह फैसला तो करना है क्योंकि बड़ा नुकसान अगर हो गया लोगों को बहुत ज़्यादा उनकी सोचों ने पीछे धकेल दिया हम इस छोटी सी ब्रेक के बाद उस हादसा से ये सीखेंगे कि अब पॉजिटिव सोच का आगाज़ कैसे करें जो भी हो गया चले हो गया अब आगे कैसे चलना है एक मख्तसर से वक्फ़े के बाद

इससे पहले मैं एक और थोड़ा सा पहलू सामने रखना चाहती हूँ मैंने देखा है कि लोग इतना नेगेटिव सोचते हैं कि उनके बिहेवियर में बहुत नेगेटिविटी आ जाती है लोग डिप्रेशन का मरीज इसी वजह से बन रहे हैं इन्जाइटी इसी वजह से बढ़ रही है और फिर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनके मामलत में बाहिर ऐसे फील होता है कि उनके ऊपर कोई जन्नात का हमला है डेफिनेटली नेगेटिव सोचों के साथ स्यात ही नहीं है जो एंटर होते हैं और इंसान बिल्कुल गैर अखलाक हरकतें शुरू कर देता है और सिर्फ और सिर्फ उसमें कमाल आपकी उस नेगेटिव सोच का होता है कि वो आपको एक इस तरह का बावला किस्म का इंसान बना देती हैं कि आप सोसाइटी पे भी बोझ खानदानों पे भी बोझ और अपने आप पे तो आप बोझ हैं ही खुद की अजियत में है लोग मुसलसल रोते रहते हैं घबराए रहते हैं आ, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कीजिएगा फैज़ा बात तो आपने बड़ी डिटेल से कर ली आ, बात यह है कि आपकी नेगेटिव सोच आपको बदलती है आ, मैं छोटे बच्चों की बात करना चाहती हूँ और यूथ की बात करना चाहती हूँ अच्छा बच्चों को देखिए बड़ों को देखिए यानी अब वो दौर आ गया है इतना नेगेटिव होना सिखाया गया कि, कि किसी को अजीब नहीं लगता अपने चेहरे को बिगाड़ना आज आप यानी डिफरेंट सोशल मीडियम्स पे देखिए अपने दांत गिरे हुए चेहरा टेढ़ा खौफनाक किस्म का चेहरा फर्क नहीं पड़ता किसी को हर एक हर एक जो है ना अपने लिए बुरे से बुरा चेहरा भी अडॉप्ट कर चुका अब ये कि उनके सामने जो रोल मॉडल के तौर पर कार्टून रखे जाते हैं मुख्तफ़ किस्म के कैरेक्टर रखे जाते हैं उसकी वजह से और फिर ये कि उन्हें जिस तरह से चेहरे बिगाड़ने से खाए जाते हैं तो एक नेगेटिविटी को अपने उरूज पर देख सकते हैं किसी के बिगड़े हुए चेहरे को देख के इससे पता लगता है ना कि यह है इसकी असल शख्सियत hmm. तो आज तो इसको समझना बहुत आसान हो गया आपके अंदर अल्लाह ताला ने तकनतीसियत रखी है हर इंसान के अंदर अब बात यह है कि अगर आप नेगेटिवली वायर्ड हैं hmm. तो सब नेगेटिव चीजें आपको आके चिमटेंगी और आपके रवैयों से जाहिर होंगी hmm. अब वो ऐसे उरूज पर पहुंच चुकी हैं जहां वो आपके चेहरे में भी आके ढल गई hmm. मनफी सोच और मनफी चेहरा पहले तो हम यह समझते थे कि तखलीक अल्लाह की है खल अल्लाह ताला की जानब से है। और खुल्क यानी आदात को अच्छा हमने बनाना है और रियलिटी भी यही है लेकिन अगर आप ये देखें कि पूरी दुनिया आज के बच्चे को और आज आने वाली कल की इंसानियत को कैसे बनाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा ठीक है जी खुल्क ही खराब कर दो खल्क भी खराब कर दो यानी आदत तो खराब थी ना आ, बुरी सूरतें भी एक्सेप्टेबल बना दो कोई चीज़ किसी के लिए बुराई बुराई नहीं। रहे ही ना। नहीं तो ये ऐसा दौर है जहाँ बुराई और अच्छाई सिर्फ मिक्सअप नहीं हुई बुराई का कद बहुत बुलंद हो गया और सब लोग बुराई पे फख्र करने लग गए तो ये तो यानी कुछ तो हमारी आदत रवैये हैं लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें कॉमों का भी एक इमेज है कॉमों का भी एक मकाम है कौन कौन ऐसा शख्स है पाकिस्तान में जो इस बात पे जज्विज होता हो कि हम दुनिया में करप्ट क्यों मशहूर हैं करप्शन में हम दूसरे से पाँचवें नंबर पर आए किसी को फ़र्क नहीं पड़ा पाँचवें से दूसरे पहले नंबर पर चले जाएं दुनिया भर में हमें करप्ट समझा जाता है mm. नंबर दो चीज़ें बनाने वाले ज़रूर पाकिस्तान की कोई चीज़ होगी इसमें खराबी ख़ुद भी पाकिस्तानी कहते हैं जी बिल्कुल अच्छा अब यानी जैसे चाइनीज़ के बारे में ना कि चाइनीज़ की पाकिस्तान में ये इमेज है हालांकि ऐसी बात नहीं है कि उनकी अच्छी चीज़ें नहीं होती उनकी ए वन क्वालिटी भी होती है लेकिन दूसरे ममालिक दूसरे के लिए तो अब आप ये देखें कि लोगों के आ, हमारे साथ जो इकतदी मामला हैं ना उसमें भी हमारी करप्शन के मुताबिक और हमारे मिजाज के मुताबिक हमें डील किया जाता है हम ऐसी जगह पर आ गए कि हम जिल्लत की इंतहा पर पहुंच गए हमारे पासपोर्ट की क्या सूरत हाल है हमारा पाकिस्तानी होना आ, यकीनन इसके ऊपर हमें यानी फख्र होना चाहिए था आ, लेकिन हम कहाँ पे आन पहुँचे हैं कि जहाँ ना कौमीत हमारे लिए आ, शर्फ का बायस रह गई किसी कौन ना, ना, ना नहीं जब मज़हब को छोड़ा इकबाल ने तो कहा ना कौम मजहब से है मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, नहीं। जज्ब बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं तो जब मजहब छोड़ा था ना माजरत के साथ भागे तो मजहब से थे भागे अब कौमियत थे। भी नहीं रही अब कौमियत भी नहीं रही और अगर आप देखें तो कोई शनाख्त कोई पहचान ही नहीं रही बल्कि आपका हर बच्चा उठ के अपने फेस को बिगाड़ रहा है किरदार तो बिगड़ा था चेहरे भी बिगड़ गए और वो मुझे याद आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत हुई थी और जब जंग हुई गजव बदर की बात है आप सल्हम ने दोनों मौक़ों पे एक मट्टी की मुट्ठी उठाई और उनके चेहरों की तरफ फेंक के कहा शाह तिलवजूह चेहरे बिगड़ जाए आज सूरत हाल ये है कि अपने अफकार का गुबार हम पर फेंका है हमारे दुश्मन ने और आज हर एक का चेहरा बिगड़ा हुआ है खुल्क हमारा ख़राब हमारे चेहरे हमारे लिए बायस नहीं रह गए <गया> क्योंकि हमने हर चीज को नेगेटिवली देखा हमने हर चीज में अपने लिए नुकसान ही देखा हमने ये नहीं देखा हमें क्या मिला आप अल्लाह की किताब को देखिए असल में आगाज ही किस चीज से होता है रब्बिल आलमीन बस मैं समझती हूँ यही इंसानों के लिए हल है वापसी का रास्ता यही है, है। देखिए किताब क्या बताती है, बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला के नाम से आपने बिस्मिल्लाह छोड़ी थी ना कहने को तो बड़ा सी बात है लेकिन आपकी सारी ताली... तालीम जो है, अल्लाह के नाम के बगैर है अब जब अल्लाह ताला को उसके नाम को उसकी बरकत को छोड़ेंगे तो जाहिर है कि आपका कहीं तो जाके ताल्लुक जोड़ेगा आप जब यानी अपना तालुक किसी और के साथ भी जोड़ नहीं पाते और आप खुद अपने साथ ही जोड़ते हैं तो आप खड़े हैं hmm. डिप्रेशन में मुबतला है कोई आपका साथ देने वाला नहीं कोई आपको अच्छा समझने वाला नहीं कोई आप पे तर्स खाने वाला भी नहीं कोई आपका हमदर्द नहीं क्योंकि आपने ऐसा माहौल पैदा कर दिया hmm. जिसमें कोई आपसे हमदर्दी करने के काबिल भी नहीं मुझे किसी ने बताया कि मैंने अपने बेटे से पूछा आपकी शादी को इतने बरस गुज़र गए अल्लाह ताला आपको औलाद की खुशियां दिखाए तो बेटे ने जवाब दिया कि औलाद के बारे में सोचने से पहले मैं ख़ुदकुशी ना कर लूं अब जब कोई इस तरह मतलब आप ये हमारी सोसाइटी की अप्रोच है आज बच्चों को देखिए मुझे एक बड़ी आ, पाकिस्तान की कदीम यूनिवर्सिटी है उसमें जाने का इतफाक़ हुआ और उसके पढ़े लिखे बच्चे तो उनकी टीचर ने कहा कि प्लीज इसको जरूर एड्रेस करें कि इन बच्चों में से कोई शादी नहीं करना चाहता मायूसी नहीं है यानी जिंदगी के बारे में उनका कॉन्सेप्ट चेंज, चेंज हो उन्हें गया। पता नहीं है कि हमने जाना कहाँ है कहीं कोई शादी नहीं करना चाहता कहीं कोई बच्चे पैदा नहीं करना चाहता कहीं कोई कमाना नहीं चाहता कहीं कोई किसी को इज्जत नहीं देना चाहता ये कैसी सोसाइटी है ये कैसा मुआरा है जो हम वजूद में लाना चाहते हैं और यहाँ माओ का किरदार फिर वही वाली बात बड़ा अहम हो जाता है बापों का किरदार है लेकिन एक ऐसी नस्ल की तरबियत उस माँ ने करनी है जिसने ये इस सोचों से बचना है या को बेहतर हल की तरफ जाना है इसमें कोई शक न आप अपने बच्चों पर असरअंदाज होते हैं होते हैं माहौल पर असर सबसे सब सब बड़े रोल मॉडल तो आप खुद होते हैं आप खुद है मैं ये समझती हूँ कि हर इंसान को ये सोचना है यह डिसीजन करना है क्या मुझे बदलना है hmm. अगर उसे बदलना है तो बदलने वाली तो यह किताब है hmm. पूरा माइंड सेट यह किताब चेंज करती है hmm. अल्लाह ताला का शुक्र है उसकी तारीफ है यहां तो अपनी तारीफ से बाहर ही नहीं निकलते hmm. सब जब स्टेटस अपलोड करते हैं hmm. जब फेसबुक पर कुछ अपलोड करते हैं जब अपना चैनल बनाते हैं तो हर कोई अपनी अपनी का झंडा लेके खड़ा है ना mm. इस उम्मत को तो अल्लाह ताला ने अपना झंडा पकड़ाया था mm. और कयामत के दिन इस उम्मत के पास अल्लाह ताला की हमद का झंडा होगा लिवाउल हमद mm. सोचिए तो सही क्या हमने अल्लाह ताला की हमद का झंडा पकड़ने के काबिल बनाया हमने कब अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया उन नेमतों पर जो उसने अता कि जिसने हमें वालदान जैसी नहमत दी जिसने हमें कामिल आज़ा दिए जिसने जिंदगी का वक्त दिया जिसने हमें हर चीज़ की नहमत अता की रोज़ी दी जो हमने चाहा और जो कुछ जिंदगी में हमने नहीं चाहा हर एक चीज़ में हमारे लिए खैर बरकत रख दी वो कुछ हमें अता किया जो हमने मांगा भी नहीं था इसके बावजूद शुक्र गुज़ारी नहीं आती अपनी सोच को बदल डालें सोच बदलनी है अपने मामलात को बदलना है अपनी जिंदगी को बदलना है जिंदगी की किताब से फ़ायदा उठाइए देखिए हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बना रखा है अब दुनिया में अपनी मिसाल देखिए आप मार्केट से कोई चीज़ ख़रीद कर लाते हैं कोई कोई मशीनरी लेके आते हैं उस मशीनरी को ऑपरेट करने से पहले आप उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखते हैं वो हिदायत देखते हैं जिन हिदायत को जिन हिदायत के मुताबिक आप उस मशीनरी को इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस मशीनरी को अल्लाह ताला ने इजाद किया अल्लाह ताला ने तख्लीक किया इस मशीनरी के लिए गाइडलाइन अल्लाह है मैं नहीं समझती किसी एक फूक से किसी एक यानी किसी एक बात से किसी की जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा अल्लाह ताला चाहे डेफिनेटली तो बगैर किसी किस्म की सूरत हाल पैदा किए हुए भी इनकलाब आ जाएगा तो अल्लाह ताला की किताब का इल्म हासिल करना उसको समझना माइंडसेट को चेंज करने के लिए जरूरी जिंदगी को करने वाली किताब खूबसूरत सिलसिला है आप कुरान को पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको कितने पारों तक तो सिर्फ रवैयों पर ही बातचीत मिलती है पूरा कुरान, सेट पे है, रवाईयों पे। रवाईयों क्योंकि है। या तो बिहेवियर है, हाँ। है।, है यह का, 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 मिलती है नाशुक्री न अदा नहीं करना तो और उस, उसके बाद वबाल ही वबाल असल में अल्लाह तरफ से जो वाकत बताए गए कौमो के वो भी नाशुक्री के वाकयात है और एक ख़ास माइंड सेट है जिसकी वजह से पूरी की पूरी कौमें तबाह हो जाती तबाह है। हुई बर्बाद हुई और अल्लाह का अजाब आ गया तो एक ही तरीके का रहा है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और ज़िंदगी को ख़ूबसूरत अंदाज़ से देखना शुरू करें एक बड़ा ख़ूबसूरत वाक़ है इशफाक अहमद जाबिया में लिखते हैं आ, किसी ख़ातून के बारे में कि उनके इलाके में एक ताई होती थी जो कि हमेशा हमेशा लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचती थी किसी दुनिया के बुरे से बुरे इंसान के बारे में उनके पास बात लेके चले जाएं तो वो उसके भी ख़ूबी बयान कर देती थी इशफाक अहमद कहते हैं हमने बड़ा सोचा कि क्या करें और मैं और मेरे दोस्त ने बड़ी मुश्किल से एक ऐसा कैरेक्टर तलाश किया कि अब ताई इसके बारे में कुछ बुरा नहीं कह सकेंगी हम ताई के पास बैठे पहुँचे वो तंदूर लगाती थी बैठी हुई थी हमने कहा अच्छा ताई आज एक ऐसे चीज़ के बारे में आपसे पूछेंगे कैसे कैरेक्टर के बारे में कि आप उसकी ख़ूबी बताएं कि उसमें क्या ख़ूबी थी उन्होंने पूछा शैतान के बारे में तो ताई बहुत देर सोचती नहीं कहती बड़ा ही मेहनती है कभी थकता ही नहीं अल्लाह को लो वादा किया कि तेरे बंद बेहका रहागा और आज तक वो अपने वादे के ऊपर कायम है यानी पॉजिटिविटी की इंतहा कि आप अगर सीखना चाहें तो बुरे से बुरे सूरत हाल में भी आप उसका बेहतर पहलू निकाल सकते हैं एक मिसाल मुझे लगता है कि मुझे अच्छा, जिंदगी में इस मिसाल से जो चीज़ यानी सामने आती है वो ये कि आपको ये देखना है कि आपने क्या करना आपने क्या करना है? है। आपने क्या करना है बाकी दुनिया पे जितने जी चाहे तबसरे कर लें उन तबसरों से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली नहीं आप अपने ऊपर तबसरा कर लें और अपने बदलने के लिए इरादा करें दुआ करें तोफीक मांगें और कोशिश करें सही और यकीनन हर इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की और अपने इर्द गिर्द वालों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें करने की तौफीक तोफ़ी कताजा बहुत ही खूबसूरत बात कि आप सारी दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सिर्फ अपने आप को बदल लें आप बदलेंगे आपकी सोच में तब्दीली आएगी तो वहीं से तब्दीली का आगाज़ हो जाएगा अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ हाजिर होंगे जब तक के लिए इजाज़त दीजिए असल वरहल वर्कूला ما كانوا يعملون